उन्हीं कर्मों के थ्रू ये सिखाऊंगी आपको कि कैसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं और कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे के साथ खुशियां लाना और भी बड़ी बात है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया महीना कमाता है, आप उसके घर में जाते हैं, आप कहते हैं कमियां तो बहुत हैं, लेकिन इसके घर में गया मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली, उसने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, वो मुझे ऐसा लगा कि बस मेरा मन ही नहीं किया वहां से उठने को, मैं तो 5 मिनट के काम से गए थे और मैंने तो घंटा वहां बिता दिया, तो क्या आप उसको गरीब कहेंगे? मैं मानूंगी कि शायद वो सबसे अमीर है। और आप एक महल नुमा घर में जाते हैं, आपको काम है, आप वहां गए, आपसे वहां 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा, अंदर घुसते ही आपको लगा वाह मैं कहां आ गया हूं, कितनी अच्छी किस्मत है इनकी, क्या यार राजयोग लेकर आए हैं, इतने राजा बंदे, काश हमारे पास भी ऐसा होता, हम सोचते हुए अंदर घुस रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आए, उन्होंने बड़ा नकचड़ा सा मुंह बनाया हुआ और कुछ वर्ड्स बोले और हम चले गए, उनका कि क्या यार इतने रूड, इतने ऐसे लोग, आपस में उनकी आपस में बनी नहीं हुई, आपस में कुछ नहीं है, तो क्या आप पाएंगे वहां पर, आप किसको अमीर कहेंगे? तो आज का ये कोर्स सिर्फ इस चीज पे नहीं है कि आपने पैसा कैसे कमाना है, इस चीज पर भी है कि आपने घर में अपने आसपास में खुश कैसे रहना है, अपनी पॉजिटिविटी को कैसे इंक्रीज करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि आपको जो है करना क्या है, सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना होता है वो हमें अपनी एनर्जी पे करना होता है। हर एक व्यक्ति की एनर्जी एक सी नहीं होती, हर एक व्यक्ति की एनर्जी एक सी नहीं होती, कोई बहुत फास्ट काम करता है, कोई बहुत स्लो काम करता है ना, कोई जो होता है वो बड़ा एनर्जेटिक होता है, कोई लॉजिकल माइंड का होता है, बड़े स्लो स्लो बड़े सोच समझ के काम करता है। तो एक तो कंपैरिजन नहीं करना, पहला नियम कंपैरिजन नहीं करना कि आप क्या हैं और वो क्या है, ये पॉजिटिविटी का पहला रूल है। आज के बाद, मेरे इस कोर्स के बाद, अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना, और अपने बच्चों में भी आपस में या दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करना। यहां से जाने के बाद या एट द मोमेंट इसी समय से एक चीज आप लोगों ने अपने मन में धारण कर लेनी है कि आज के बाद आपने किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि आप बेस्ट हो। सबसे पहले ये चीज मानो कि जो आप हो वो बेस्ट हो। हर इंसान में ईश्वर का वास होता है, वो मैं हूं, आप ये मानो मैं हूं जिसमें ईश्वर है। जब हमारे अंदर ईश्वर है तो हम गलत हो कैसे सकते हैं, हम बेस्ट हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो हम कर रहे हैं, अगर हम उसको अपने ईश्वर को समर्पित कर दें और फिर वो काम करें, तो मान लीजिए आपका वो काम सक्सेसफुल होगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को जो करनी है वो है अपने बड़ों की दुआएं लेने। ये लोग आजकल भूल चुके हैं। हम लोग, थोड़ा सा बड़े ने कुछ कह दिया, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब गलत है, ये हमें टोक रहे हैं। आप जिस भी एज के हैं, मान के चलिए कि वो गलत कह रहे हो सही कह रहे हो, आपको उनकी दुआएं लेने के लिए जो भी करना पड़े वो ईश्वर की दुआ होती है। तीसरी चीज, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, नेगेटिविटी को अपने माइंड से हटा देना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये सबसे मुश्किल काम है, हर इंसान ये नहीं कर सकता। वो कैसे मिटाना है वो मैं जब पॉजिटिविटी का चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी नेगेटिव थॉट जब भी मन में आए तो आप कुछ और सोचने लग जाएं। इतनी आदत डाल लीजिए
तो हो सकता है कुछ ऐसा सोचने लग जाए जो आपको पॉजिटिविटी दे दे या आपके उस विचार से आपका ध्यान हटा दे। तो बस जब ये चीज करेंगे तो आप मानेंगे कि आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी। आप उसी समय सोचेंगे कि हमारा एकदम माइंड चेंज हो गया। इसके बाद जैसे आपने क्या करना है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना। ये क्या मीनिंग है कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना? कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, अब ये चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं जितनी चादर है उतना पैर पसारो। ये हमने अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सुना हुआ है। हमारी तो कमाई जो है वो एक जॉब ही तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक प्रमोशन मिल जाएगी। आज हम 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो सकता है 1.5 लाख की जॉब मिल जाएगी, इससे ज्यादा हम कहाँ जा सकते हैं। अपने माइंड को आपने रिस्ट्रिक्टेड कर लिया। फाइनेंस इनहेंसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं अभी तक मैंने जो समझाया वो सब एक बिहेवियर वाइज था। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि फाइनेंस अगर आपने अपनी लाइफ में बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना, बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारी इतनी चादर है और हमने इतने पैर पसारने हैं। हमने क्या सोचना है? सपना, सबसे पहले ड्रीम। आज हमारे पास 10 रुपए हैं और सोचना ये है कि हम जो है कम से कम 10 लाख रुपए एक महीने में कमा लें। पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहेंगे पागल हैं जो हम ऐसा सोचें, ये पॉसिबल ही नहीं है। आज हम 10 रुपए मुश्किल से कमाते हैं, हम 10 लाख कमा लेंगे। लेकिन सपनों की दुनिया, उसमें तो पॉसिबल है। और जिस दिन आप सपना देखते हो और जैसे मैं अभी आपको मैनिफेस्ट कराऊंगी वो सपनों को, उस दिन आप पाओगे कि 1 महीने नहीं तो 1 साल में आप 10 लाख रुपए के मालिक हो जाएंगे। ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको आप 10 लाख से 1 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। ये आपके सपने हैं, कितना देखना है ये आपके सपने हैं। ये इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, ठीक है? तो सपने ऊंचे देखने हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है कि ये सपना जो है हमारा क्या है। जब तक आप ऊंचा सपना नहीं देखोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे शरीर के जितने सेल्स होते हैं वो आपकी सोच से चलते हैं। हाँ, हमारे शरीर के जितने सेल्स होते हैं वो आपकी सोच से चलते हैं। जब हम डाउट करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि वो डाउट जो है वो हमारी नेगेटिविटी है और हमारे जो चीज हम मैनिफेस्ट करने जा रहे थे वो कभी पूरी नहीं होगी। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो है वहम या डाउट। हमें डाउट आ जाना, जब भी हम किसी चीज को डाउट करते हैं, ठीक, कि पता नहीं ये चीज करने तो जा रहे हैं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलने वाली। जहां डाउट आया वो चीज आपको नहीं मिलने वाली। आज से मेरे साथ ये आप प्रण लेंगे कि डाउट नहीं करना और आपको जो भी चीज चाहिए उसका बहुत बड़ा सपना देखना है। आपने सपनों में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई है, कोई लगभग 120, कहीं 130, इतनी ज्यादा चली गई। अब हम लोग क्या सोचते हैं, यार अब तो घूमना फिरना ही बंद हो जाएगा, इतने महंगा पेट्रोल हो गया है कहाँ जाएंगे? क्या ऐसा हुआ है? क्या लोगों ने घूमना फिरना बंद किया है? मुझे लगता है कि जब 10, 20 या 50 रुपए थे तब लोग नहीं जाते थे, आज लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। क्यों? रीजन कि आज लोगों में एक ऐसी भावना आई है कि जाकर बाहर मस्ती करें हम, वो उनका दिल चाहता है, उनको वैल्यू ही नहीं रखता कि पेट्रोल की कीमत क्या है। क्या आप लोगों में से जो लोग भी घूमने जाते हैं वो डेस्टिनेशन सोचते समय क्या ये सोचते हैं कि पेट्रोल की कीमत इतनी है तो हम चलो 50 किलोमीटर कम चले जाते हैं? किसी ने सोचा? नहीं सोचा।
नहीं सोचा, इसलिए आप लोग निकल भी जाते हो बिना पैसे की परवाह किए हुए, ठीक है, और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, इंजॉय भी करते हो, बहुत मस्ती करते हो, बहुत पैसा उड़ा, है ना, और फिर बड़े खुश होते हो कि हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत ही प्यारा सा समय स्पेंड किया। तो यही चीज जो है वो आपको करनी है अपने जीवन में, कि आपको सपने देखने हैं और खुश रहना है। रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी कि ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो हम अपने घर में ही बैठ जाएं, अब तो हम बाहर ही नहीं निकल सकते। पेट्रोल महंगा हो गया है ना, तो अपने पैसे को बढ़ाओ और ज्यादा इंजॉय करो, ना कि वो चीज को लेकर घर में बैठ जाओ और पैसों की बचत करनी शुरू कर दो, ठीक है ना। तो सोच क्या होनी चाहिए कि अगर कोई चीज महंगी हो गई है तो उसको हो जाने दो, हमने तो अपना फाइनेंस बढ़ाना है और इंजॉय करना है, फालतू के बातों में नहीं आना। फोकस सबसे बड़ी चीज, फोकस करना लाइफ में, ठीक। फॉल्स होप्स नहीं बनानी, कभी भी फॉल्स होप नहीं बनानी लाइफ में, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक। कभी भी फॉल्स होप नहीं बनानी, और ईश्वर से मांगना जरूर है, जो सपना आपने देखा है उसको रोज आपने ईश्वर से मांगना है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर से क्या मांगना, वो तो उनको तो सब कुछ पता है, उनको तो इतना कुछ पता है कि वो तो कुछ भी दे सकते हैं लाइफ में, लेकिन नहीं, आपने ईश्वर से जरूर मांगना है। आपके बच्चे हैं, आपके पास आते हैं ना मांगने के लिए, जब वो छोटे थे या बड़े भी हो जाते हैं तो वो आपके पास आते हैं कि आज छोटा सा 2 साल का भी बच्चा है, उसको आइसक्रीम खानी है, वो आपके पास आएगा कि मम्मी पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, चलो मैं खिलाती हूँ। बच्चों की इच्छा हम पूरी करते हैं, तो ईश्वर भी तो हमारे माँ बाप के समान ही है ना, वो तो सबसे ऊपर है हमारे माता पिता, उनसे मांगने में क्या हर्ज है, अपने दिल की हर इच्छा उनसे कहनी है और उनसे मांगना है, ठीक। और अब जो नेक्स्ट चीज है वो है गोल सेट करना। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में गोल सेट किए हुए, किए किसी ने, आप ये बताइए। फिर से मैं, हाँ पवन मैं आपके पास आती हूँ, फिर से मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आपने अभी, मैंने कहा कि पेट्रोल महंगा हो गया फिर भी हम बाहर घूमने जाते हैं, अब आपने सोचा कि बाहर घूमने जाना है, क्या आप लोग कार उठा के और चल देते हो अनजान रास्तों पे कि देखते हैं हम कहाँ जाने हैं कहाँ नहीं जाना सोचते, या घर से एक सेटल करते हो कि आज हमने शिमला जाना है और इस डेट पे जाना है और हम जाएंगे, तब आप एक गोल सेट करके और फिर इंजॉय करके वहां होटल भी बुक कराते होगे, सब कुछ करके घर से निकलते हो, फिर जो हमारी जिंदगी है जो ईश्वर ने हमें दी है उसका गोल क्यों नहीं सेट करते। जब तक आप गोल नहीं सेट करोगे आपको अचीवमेंट होगी कैसे। गोल सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे सब हाई हैंड रेज करिए पहले कि किस किसने अपनी लाइफ में गोल सेट किया हुआ है। पवन ने, पवन आप अपना अनम्यूट करिए और मुझे बताइए कि आपने लाइफ में क्या गोल सेट किया हुआ है, उसके बाद सुरभि बताएगी। मैम मैं एक बहुत अच्छी रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर बनना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने मेहनत भी करनी, मुझे पता है मुझे मेहनत भी करनी है, एंड मैं हर चीज, जब भी कोई मेरे पास क्लाइंट भी आता है तो मैं पहले पूरा अपना दिमाग में एक चार्ट बना के कि उसको कैसे वर्क करना है तो वो करती हूँ। उसी तरीके से मैंने ये सोचा हुआ कि जैसे जैसे क्लाइंट्स आएंगे तो किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और भी वर्क करना है, रिसर्च भी और करनी है, और साथ में मुझे गाइडेंस तो आपसे मिलती रहती है, और मैंने ये सोचा है, मुझे पता है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और बहुत नॉलेज कंज्यूम करना है, लेकिन मुझे पता है ये मुझे करना है। तो ये पवन का एक गोल है, और पवन इसमें मैं ऐड करूंगी, क्यों मैंने आपको अनम्यूट कराया है, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, अब आपने गोल का टाइम सेट करना है, गोल तो आपको मिल गया, ठीक है,
गोल तो पवन ने सोच लिया कि ये मेरा गोल है और मैंने जो है एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर बनना है, लेकिन अब आपने गोल का टाइम सेट करना है। कैसे करना है कि एक साल में कम से कम मेरे पास इतने क्लाइंट्स आने चाहिए और मैं इस जगह पे खड़ी होनी चाहिए, या मनी वाइज मैंने एक साल में इतना पैसा क्लाइंट से कमाना ही कमाना है। तो ये आपके गोल सेट के साथ साथ आपकी टाइमिंग्स भी सेट होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने कितना पैसा कमाना है, वो चीज भी माइंड में आपने रखनी है। फाइनेंस इनहेंसमेंट का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि टाइम सेट करना, कितना पैसा चाहिए वो सेट करना, और गोल सेट करना। सुरभि आई थिंक चली गई है, सुरभि चलिए कोई बात। तो ये चीज जो है बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आपने इतनी चीजें जो है वो सेट करनी है, उसके बाद आपने जो है आगे बढ़ना है उस चीज पे।